नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर केंद्र व राज्य सरकार में ठनी सुक्खू का बड़ा बयान। प्रदेश के नालागढ़ में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार में ठन गई है। राज्य सरकार ने इसे अपने संसाधनों से बनाने का निर्णय लिया है, जबकि इसके लिए केंद्र से मिली 30 करोड़ रुपए की मदद लौटाने का निर्णय ले लिया है। जानकारी के अनुसार हिमाचल के हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और अपने संसाधनों से बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 265 एकड़ भूमि पर 350 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मिले 30 करोड़ रुपए लौटाने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार यदि इस राशि को वापस नहीं करती है तो राज्य को कई आर्थिक नुकसान होंगे। राज्य सरकार को उद्योगपतियों को भूमि 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर, बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट के अलावा 10 वर्षों तक पानी, रखरखाव और गोदाम की सुविधा बिना किसी शुल्क के प्रदान करनी पड़ेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क में बनने वाले अधिकांश उपकरण राज्य से बाहर बेचे जाएंगे, लेकिन इससे भी राज्य के खजाने को NSGST के कारण प्रत्यक्ष नुकसान होगा। इसलिए राज्य सरकार ने इन शर्तों से मुक्त होने का निर्णय लिया है, जिससे जमीन और अन्य संसाधनों की बिक्री से ही राज्य को आने वाले 5-7 वर्षों में 500 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। अब राज्य सरकार मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाले उद्योगों को अपनी उद्योग नीति के अनुसार प्रोत्साहन करने वाली है। हिमाचल में मॉनसून सक्रिय, कहीं बाढ़ तो कहीं भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून अभी भी सक्रिय है। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिछले 2 दिनों से कई जिलों में बारिश हो रही है और लगातार हो रही है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के 4 जिलों चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर व कुल्लू को छोड़ बाकी सभी जिलों के लिए आंधी के साथ भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं प्रदेश में 24 घंटों के दौरान अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने से किसानों और बागवानों को राहत मिली है। धान और मक्की के साथ सेब व अन्य फलों के लिए ये वर्षा लाभदायक है। कई स्थानों पर सूखे जैसी स्थिति बनी हुई थी, वहां पर वर्षा ने कुछ राहत प्रदान की है। श्रीखंड महादेव यात्रा 11 साल में पहली बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8500 पर। श्रीखंड ट्रस्ट के अंतर्गत 2014 से शुरू हुई श्रीखंड महादेव यात्रा के 11 सालों में पहली बार देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8500 पर पहुंच गया है। ये धार्मिक यात्रा शनिवार को आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगी। शनिवार को यात्रा के अंतिम दिन यात्रियों का अंतिम जत्था रवाना किया जाएगा, जो बेस कैंप सिंहगढ़ में 30 जुलाई तक लौटेगा। बीते 13 दिनों में 8509 यात्री पंजीकरण के बाद महादेव के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। इस वर्ष श्रीखंड महादेव यात्रा सबसे सफल यात्राओं में से एक रही है। प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम भी इसका प्रमुख कारण रहा। प्रशासन की तैयारियों से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी पेश नहीं आई। इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में पैट न देने वाले अभ्यर्थी भी ले सकेंगे प्रवेश, ऐसे ले सकेंगे भाग। हिमाचल में बहुतकनीकी संस्थानों में 3 साल के इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा न देने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश के लिए हिस्सा ले सकेंगे। अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न संस्थानों में खाली सीटों को भरने के लिए सेंट्रलाइज्ड ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित करेगा। जानकारी के अनुसार तकनीकी शिक्षा विभाग 2 चरणों में काउंसलिंग आयोजित करेगा। काउंसलिंग में वो अभ्यर्थी भी हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया था। 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश परीक्षा के दौरान 120 से ऊपर अंक हासिल करने वाले सभी अभ्यर्थी 29 जुलाई को काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। 31 को नॉन पैट अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा।